वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर साधारणतया तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल स्वर, इसके अंतर्गत आता है अ, ई, ओ, री। इसे ह्रस्व, ह्रस्वी, ह्रस्वु कहते हैं। इन्हीं मूल स्वरों से मिलने के बाद छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बराबर बनता है बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलने के बाद आपकी बनती है बड़ी ई। छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलने के पश्चात आपका बनता है बड़ा ओ। इस तरीके से ये जो तीन स्वर बनते हैं इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए, छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटी छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। इसी तरह से यदि छोटा आप पहले हो और बाद में दूसरे नंबर वाला, मतलब छोटा के बाद छोटी ई आई, छोटा आ और छोटी ई मिल जाए तो बराबर बनता है ए। इसको यदि मिलाकर एक में कहेंगे ए तो उच्चारण यही आएगा, इसलिए बनता है ए। अब देखिए, छोटा आ और छोटी ई मिलने के बाद बनता है आए। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले छोटा और छोटी ई मिला तब बना ए, फिर ए बनने के बाद आपका आ के बाद ए, ए जब आया इधर तो हो गया आए, इसलिए इसको कहते हैं ए, इसको आए। आए इसलिए कि आए है ना, आ पहले फिर ए, इसलिए आए। अब देखिए, छोटा आ और छोटा ओ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलने के बाद आपका बनता है ओ। अब छोटा आ और ओ मिलने के बाद बराबर बनता है आपका आओ। ये जो चार आपके वर्ण होते हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और यदि स्वरों की बात आती है तो 11 स्वर ही कहे जाते हैं, जिनमें से चार मूल स्वर हैं, तीन दीर्घ स्वर हैं, चार संयुक्त स्वर हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप सभी ने और स्वर पढ़े होंगे, उन स्वरों पे हमारी बात हो जाती है। दो आपके होते हैं अयोग वाह, इसे हम अंग कहते हैं, इसे हम अ कहते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं अयोग वाह। अब देखिए, इन्हें अयोग वाह क्यों कहते हैं? इसमें सबसे पहले स्वर आता है, तत्पश्चात अनुस्वार आता है, तब बनता है अ। इसमें सबसे पहले स्वर आता है, तत्पश्चात विसर्ग आता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें अयोगवाह कहने का जो कारण है, इसलिए क्योंकि जो 11 स्वर हैं, पहला हुआ छोटे आ की कोई अपनी पैमात्रा नहीं होती है, दूसरे नंबर पे बड़ा, फिर छोटी बड़ी, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ। ये कुल 10 मात्राएं हैं, छोटा की कोई अपनी परिमात्रा नहीं है।
यदि इन 10 मात्राओं में से किसी एक मात्रा का किसी व्यंजन के साथ यदि प्रयोग हुआ है तो दूसरे का नहीं।